कोरोना का खतरा फिलहाल ख़त्म होता नहीं दिख रहा है। वायरस के नए नए वेरिएंट्स की जगह से अब इसकी तीसरी लहर की बात होने लगी है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के साथ साथ तमाम एक्सपर्ट इस बारे में चेतावनी दे चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। वायरोलॉजिस्ट एवं कोविड एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जानकारी देते हुए आगाह किया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसकी वजह है कि जब तक देश में तीसरी लहर दस्तक दे तब तक ज़्यादातर वयस्कों को कोरोना का कम से कम एक टीका लग चुका हो। आइए इस संबंध में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम रोटेला क्या कहते हैं, कैसे बच्चों की देखभाल करनी है, कैसे हमें बीमारी को चिन्हांकित करना है के बारे में जानकारी दी गई है। मैं डॉक्टर श्याम रोटेला, MD पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ मंडला। अभी हमें समझ में आ रहा है कि सरकार के द्वारा पता चल रहा है कि कोविड की जो थर्ड लहर है वो बच्चों को इफेक्ट करने वाली है, जिसके कारण बच्चे बहुत संख्या में इफेक्ट होंगे ऐसा कहा जा रहा है। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि बच्चों में सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, क्या जाँच करानी चाहिए और क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे बच्चों की देखभाल घर में करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नवजात बच्चों की। नवजात बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए, या फिर उनको कोविड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बच्चों को जो कोविड होगा वो माँ से ज़्यादा का होने के चांसेस होते हैं, या बच्चे जो घर के जो बुजुर्ग हैं जो उनको साथ में रखते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसको दूध पिलाना बिल्कुल बंद ना करें, और माँ अब नई गाइडलाइंस है कि माँ को आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, और वैक्सीन लगाने से ये फ़ायदा होगा कि बच्चे को माँ को एंटीबॉडीज बनेंगी और वही एंटीबॉडी दूध के साथ बच्चे में जाएगी और बच्चे को भी अपने को कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करेगी। साथ में ये ध्यान रखना है कि जब भी माँ उसको बच्चे को दूध पिलाए तो जरूर मास्क लगाए, और मास्क दो लेयर में लगाना जरूरी है, और बच्चा दूध पिए और माँ और बच्चे के बीच में डिस्टेंस कम से कम 6 फीट का या 2 गज की दूरी रखना बहुत ज़रूरी है, और माँ अपने हाथों को हमेशा साबुन से धोए या सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं बड़े बच्चों में। जो बच्चे 18 साल से नीचे होते हैं उनमें अपने को क्या क्या ध्यान रखना और कैसे पहचाने सिम्टम्स। सबसे पहले वो ध्यान रखते हैं कि जो बच्चे खासकर 80% बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब जिनको कोई लक्षण नहीं होते पर वो कोरोना वायरस को लेके कहीं भी फैला सकते हैं। इन बच्चों में मामूली सा सर्दी खांसी होगा, बुखार आएगा, या फिर पेट वाले सिम्टम्स उल्टी या दस्त भी हो सकते हैं साथ में। यदि उनको सिर्फ उल्टी, दस्त या सर्दी खांसी या बुखार आ रहा है पर उनको सांस बिल्कुल तेज नहीं चल रही है, SPO2 बिल्कुल 90% सुपर मेंटेन है, तो ऐसे बच्चों में डरने की कोई जरूरत नहीं। आप घर में रह के आप आइसोलेट करके अपने आप को इलाज आप अपनी जांच कर सकते हैं, और कुछ पैरासिटामोल बुखार आता तो पैरासिटामोल ले सकते हैं, पैरासिटामोल की दवाई ले सकते हैं, और या फिर साथ में आप कुछ भी मल्टीविटामिन या जिंक या विटामिन D3 ले सकते हैं साथ में। पर जिन बच्चों को बहुत तेज बुखार आ रहा है, सांस बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, SPO2 90% से ज़्यादा है, ऐसे बच्चों को अपन को अस्पताल में भर्ती करके उनका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है जांच का विषय। हमें जिन बच्चों को बुखार काफ़ी तेज आ रहा है उनको अपन को RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी है, CBC काउंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, CRP कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, HRCT जो CT टेस्ट होता है उन बच्चों को जरूरत पड़ सकती है, जिन बच्चों को सांस में बहुत तकलीफ हो, SPO2 90% से कम, उन बच्चों को जरूरत पड़ सकती है। बाकी वैसे बच्चों को इंडिकेशन नहीं है CT टेस्ट कराने का। दूसरी जांच होती है चेस्ट एक्सरे, आप करा सकते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट्स में ये है कि आप बच्चों का पैरासिटामोल दीजिए, यदि कोई इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। अब आता है बच्चों को अपन कैसे देखभाल करें घर में। बच्चों को हमेशा आप ध्यान रखिए, घर में आइसोलेट करिए, 14 दिन तक बिल्कुल उनको संभाल के रखें, साथ उनको एक्सरसाइज कराएं, उनको व्यायाम कराएं रोज सुबह शाम, कम से कम घर में वो चलें, और साथ में खाने का बहुत ध्यान रखना है कि खाने में उनको प्रोटीन डाइट्स, जो प्रोटीन्स मतलब था जो लड़ने बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, जैसे अंडे हैं, सोयाबीन की बड़ी हैं, दालें हैं, हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा यूज करिए, जैसे खट्टे पदार्थ जो होते हैं जैसे नींबू है, विटामिन सी वाली चीज़ें होती हैं, नींबू है, केले हैं, संतरे हैं, ये सब उसके डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंक्लूड करना। साथ में लंग एक्सरसाइज, जो लंग एक्सरसाइज जैसे व्यायाम है, अलोम विलोम है, ये सब आप जरूर घर में करें और अपने आप का ध्यान रखें और बच्चों का भी ध्यान रखें। रेमडेसिविर और फैलोपियर छोटे बच्चे 18 साल से नीचे बच्चों को रिकमेंडेशन है नहीं, और इन्हें अपने को नहीं देना चाहिए। इन्हें बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता तो ही दिया जाता है, जिन बच्चों को बहुत सीवियर इन्फेक्शन या बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो ही अभी से यूज करना चाहिए, नहीं तो इन्हें देना बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा था डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन भी अपन
10 साल नीचे बच्चों को नहीं देना है और आयरमेक्टिन भी अपने को 2 साल से नीचे बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। माँ बाप को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए, बच्चों को अच्छे समझाना चाहिए और बच्चों को कभी भी वो अच्छी शिक्षा देना चाहिए, पुस्तक अच्छे पढ़ना चाहिए, एक्सरसाइज कराना चाहिए और उनको घर में आइसोलेट करके रखना चाहिए। केसेस आ रहे हैं, माइल्ड आ रहे हैं, जो सर्दी खांसी बुखार है, उल्टी दस्त कभी चालू हुए हैं और इसमें कोई मतलब कुछ घबराने की बात नहीं है, सिंपल है, जो मौसमी बुखार हो तो इस टाइप के केसेस हैं, पर ये कोरोना भी हो सकते हैं। सिंपल है, आप सिंपल आप उस अरे बहुत कम सर्दी खांसी है तो सिंपल एंटीबायोटिक देके और एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं, आप सिंपल पैरासिटामोल दे दीजिए, कब सप्रेस जो कब जिससे कब ठीक हो जाता है वो दवाई दे दीजिए और ये नॉर्मली 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है।